Assalamualaikum, good afternoon all. कैसे हो आप सब बेटा? अच्छे हो ना? Hope you all are fine and fit. So, let's start our computer chapter number 5, Notepad. So, today I will teach you how to insert date and time in your document. Let's see. To add date and time to your document, press the Enter key twice to leave two lines, and then on the menu bar click on Edit. You will see a drop down menu. क्या करना है आपको? देखो, last period में हमने ये poem आप लोगों ने type की होगी, बराबर? ये poem type की है चार line की. फिर उसके नीचे exit अपने को डेट और टाइम इंसर्ट नहीं करना है, दो लाइन छोड़ के. तो क्या करेंगे? टू टाइम एंटर की को प्रेस करेंगे तो टू लाइन जो है वो छूटेगी. ओके, फिर आपको मेन्यू बार में एडिट मेन्यू जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन. जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा. देखो ध्यान से, उसमें लास्ट ऑप्शन है टाइम स्लैश डेट. ओके, क्लिक ऑन टाइम डेट. यू विल सी द टाइम एंड डेट वेयर द कर्सर वॉज. फिर आपको क्या करना है, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ भी आपका कर्सर स्क्रीन में है वहाँ पे टाइम और डेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है. ओके, फिर आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ टीचर आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है. ओके, अभी तो देखो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो अगर घर पे कंप्यूटर है तो आपको विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे आपको सेव ए डॉक्यूमेंट को करना है. ओके, कैसे सेव करोगे? तो फाइल मेन्यू के अंदर जाके सेव का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. उसमें फाइल नेम में आपको सूटेबल फाइल नेम देना है. फिर आपको सेव बटन पे क्लिक करना है. ओके, और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस. आई होप कि ये वीडियो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.